हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 मार्च दिन रविवार है, वही हिंदी महीना फाग और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए जरूरी खबर है, राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने के लिए बाजार से 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। दोस्तों, गेहूं खरीदी के लिए इस बार बाजार से सरकार 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह पिछली बार से 14,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सरकार की गारंटी के लिए इसका प्रस्ताव कैबिनेट में जाने वाला है। इतनी बड़ी राशि बाजार से उठाने के कारण किसानों ने बोनस की भी मांग उठा दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 15 जनवरी को पूरी हुई धान की खरीदी सरकार ने बिना बोनस के कर ली थी। यानी सरकार ने किसानों से 46 लाख टन धान 2183 रुपए के हिसाब से खरीद लिया, जबकि उसमें सरकार ने बोनस देना था। यानी किसानों को बोनस का 3,758 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वहीं रबी में बोनस नहीं मिलता तो उन्हें 4,250 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अर्थात किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य बोनस नहीं मिलता तो किसानों को 4,250 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संकल्प पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस जोड़कर 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया गया था। यानी सरकार गेहूं में किसानों को बोनस दे सकती है, लेकिन धान का बोनस अभी किसानों को नहीं मिला है। यह स्थिति अब रबी सीजन में गेहूं खरीदी की होने वाली है। सरकार को यदि गेहूं का बोनस देना है तो इसकी घोषणा जल्दी करनी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाती है, उस दौरान सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। हालांकि देश में गेहूं की डिमांड बहुत है, अब सरकार किसानों के साथ क्या करती वह देखना होगा। दोस्तों, भोपाल के वल्लभ भवन में लग गई आग, अहम दस्तावेज जलकर हो गए खाक। मौके पर पहुंची आर्मी और पुलिस। प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वल्लभ भवन के तीसरे मंजिल पर शनिवार की सुबह अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। आग की लपटें धीरे धीरे पांचवी और छठवीं मंजिल तक पहुंच गई। मौके पर भोपाल का फायर अमला पहुंचा और आग पर काबू भी पाया, लेकिन हवा के कारण एक बार फिर मंत्रालय भवन में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए सेना को भी बुलाया गया है। पिछले महीने ही सतपुड़ा भवन में आग लगने की खबर सामने आई थी, अब मंत्रालय में आग लगने की खबर ने हड़कंप मचा दी है। वल्लभ भवन मुख्यमंत्री का सचिवालय है, यहाँ कई जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। अग्निकांड के पीछे की वजह अभी अज्ञात है, मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाजपा सरकार ने लगाई है वल्लभ भवन में आग। भोपाल में वल्लभ भवन की आग के बाद सियासी लपटें भी तेज हो गई हैं। दमकल से जुड़े अधिकारी आग पर काबू करने के बाद आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश में हैं और सरकार के अधिकारी इससे हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसकी वजह भी बता दी है। कांग्रेस ने कहा कि ये सरकारी आग है और भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए यह आग लगाई है। एक देश एक चुनाव को लेकर जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है विधि आयोग। विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट को 15 मार्च तक केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग इस मुद्दे पर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश करेगा, जिससे अगले 5 सालों में देश भर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ हो सकें। आपको बताते चले कि भारत में पहले से ही एक देश एक चुनाव की बात चली आ रही है। इस नई सुनहरी अवस्था में जब आयोग का सुझाव सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करता है तो एक देश में सभी चुनावों को एक साथ कराने का सपना हकीकत बन सकता है। वहीं जनता की भी मांग है कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे बार बार चुनाव होने वाले रुपयों के खर्च में कमी आएगी। कांग्रेस को फिर लगाया बड़ा झटका, कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। पचौरी के साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। पिछले विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक विशाल पटेल भी भाजपा में आ गए, अर्जुन पालिया भी भाजपा में आ गए, सतपाल पलिया भी भाजपा में आ गए। वहीं भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 4 करोड़ 43 लाख रुपए का गबन करने वाले
मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अर्थात मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारियों ने ही कंपनी को चपत लगाई है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए सोने को गिरवी रख कर के इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, राजधानी भोपाल में मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के इंद्रपुरी कार्यालय में पदस्थ प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कंपनी को 4,43,00,000 रुपए की चपत लगाई है, जिसके चलते क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने कंपनी के करीब 95 ग्राहकों द्वारा जमा की गई रकम के साथ भी कई फर्जी खाते खोलकर लाखों का लोन लेकर मोटी रकम हड़प चुके हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े मामले में गोल्ड फाइनेंस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। अब पुलिस छानबीन कर रही है, छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग इसके दायरे में आते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो जरूर थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इंदौर उज्जैन को 6 लेन बनाने में खर्च होंगे 950 करोड़ रुपए, इसके लिए जल्द जारी होगा टेंडर। महाकाल की नगरी उज्जैन में होने वाले सीएस 2028 को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन दिनों उज्जैन को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने में जोर दिया जा रहा है। इंदौर उज्जैन 4 लेन रोड को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर शासन ने सड़क निर्माण के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है। इसके लिए करीब 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले कुछ महीनों में सड़क के डिजाइन से लेकर DPR और टेंडर भी निकाले जाएंगे। इस प्रकार सीएस को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। पिछले वर्ष हुई मध्य प्रदेश बोर्ड की पूरक परीक्षा, लेकिन अब तक नहीं मिला है मूल्यांकन का पैसा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा के बाद मूल्यांकन के काम में लगे शिक्षकों को अभी तक इनका मानदेय नहीं मिला है। वहीं मानदेय के साथ साथ इनको वाहन भत्ता भी नहीं मिला है। वहीं पिछले वर्ष अगस्त में हुई पूरक परीक्षाओं के समय मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को राशि और भत्ता भी नहीं मिला है। इसे लेकर शिक्षकों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। अब ज्ञापन सौंपने के बाद इनको मानदेय कब तक मिलता है वह देखना होगा। अभी प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वह बोर्ड हो या फिर लोकल हो। परीक्षाओं के पेपर कैसे हल करें, इसको लेकर कुछ टिप्स हैं, आप जरूर जान लें, आपको पेपर हल करने में आसानी होगी। दोस्तों, मांग और आपूर्ति को समझें और पेपर देते समय अधिक अंक के प्रश्नों को सबसे पहले हल करें। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना है, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं और जल्दी हल हो जाते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, जो ज़्यादा नंबर का है उसको ही सबसे पहले हल करें। उसके बाद छोटे प्रश्नों को हल करें जिनके अंक कम हैं। यदि जरूरी है तो प्रश्न हल करते समय उन्हें डायग्राम और उदाहरण सहित समझाएं। इसलिए परीक्षा के पहले डायग्राम बनाने का अभ्यास जरूर कर लें। इस प्रकार से यदि आप प्रश्न हल करते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद में ज़्यादा अंकों वाले प्रश्न, उसके बाद छोटे अंकों वाले प्रश्न, तो आप जरूर पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे और आपको टाइम बहुत मिलेगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।